नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। आपको बता दें, बाराबंकी से बड़ी खबर, राष्ट्रीय किसान मोर्चा संगठन द्वारा सांसद का पुतला फूंका, और इसमें साथ साथ में विधानसभा का भी इस किसान यूनियन संगठन द्वारा पुतला फूंका गया। आपको बता दें, बाराबंकी कचहरी में ये घटना हुआ है और ये बहुत बड़ी घटना है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ संवाददाता दिनेश वर्मा जी जुड़ चुके। दिनेश वर्मा जी, ये बताइए क्या मामला है, पूरा घटना को पूरा बताइए क्या हुआ है। देव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने पटेल तिराहे से जुलूस की शक्ल में कचहरी पहुंचे। कचहरी गेट पर सांसद भवन और सांसदों का पुतला जलाया गया है। वो दुखी इस बात को लेकर थे, उनका आक्रोश था कि जब सांसद भवन में किसान विरोधी बिल पास हो रहा था, तब एक भी सांसद ने उस किसान विरोधी बिल का विरोध नहीं किया। इसलिए जो है सभी किसान और जो है पदाधिकारी नाराज थे कि हमारे सांसद, क्योंकि हमारे वोट लेकर के जाते हैं और हमारे ही परिवार से जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान विरोधी बिल पास हो रहा था तो एक भी सांसद ने विरोध नहीं किया। इसलिए जो है कोरोना महामारी को देखते हुए एक बहुत बड़ा भीड़ नजर आ रहे हैं, आखिर इस भीड़ में प्रशासन क्या प्रतिक्रिया रहा? जान है तो जहान है। यदि मान लिया जो किसान विरोधी बिल पास होगा, किसानों की जमीन है किसान से छिन जाएंगे, तो आज कोरोना महामारी लेकर क्या करेगा? इसलिए किसान परेशान है। इसलिए किसान वैश्विक महामारी कभी नहीं डरता, क्योंकि भूख प्यास और जो है उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी तो कोरोना महामारी क्या करेगी? कोरोना महामारी कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे पहले उसे जमीन चाहिए, वो जमीन छिन जाएगी। उनका यही मानना है कि किसान विरोधी बिल से हमारी जमीन छिन जाएगी, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए किसान जो है कोरोना महामारी की डर नहीं है, अभी ये किसान में बड़े लीडर कौन है, यहाँ मौजूद कौन है, जरा बताएंगे उनसे, उनसे थोड़ा बात हो जाती तो पब्लिक जान जाता कि आखिर क्या मामला, उनका दुख क्या है, जरा उनसे बात कराइए। उनका थोड़ा सामने हमें उसका कमेंट चाहिए था, जरा उनसे संपर्क करने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे भी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो वर्मा जी है, हम उनसे जब बात करते हैं और किस लिए ये आंदोलन जो किसानों के विरोध में बिल पास किया गया है 5 मई 2020 को, वो किसान विरोधी है। इसलिए हम लोगों ने सांसदों का पुतला इसलिए फूंका, सांसदों का बिल पास हो रहा है और किसानों के विरोध में, किसानों का देश है और किसानों के विरोधी है। सांसद सभी लोग पूरे सांसद है, इन लोगों ने किसानों के पक्ष में कोई बयान नहीं किया, कोई बोल नहीं रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व निष्क्रिय किए हुए हैं, इसलिए उनका मतलब फूका गया। झंडा फूकने के बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी? झंडा फूकने के बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे 14 तारीख को, 14 सितंबर को सभी स्तर पर, सभी स्तर पर सभी विधायकों के ऊपर फूके जाएंगे। इस बिल से क्या नुकसान है? इस बिल से नुकसान यह है कि सरकार ने इस बिल के बहाने से किसानों को भूमिहीन करने का इरादा बनाया है। तो पूंजीपतियों को जमीनें सौंपी जाएंगी, एक देश एक बाजार की जो नीति लागू की गई है, तो उसमें छोटा किसान आत्महत्या ही करेगा तो कहाँ भूखे से लेकर जाएगा? आसान किसान सबसे पहले है नहीं, कैसे वहाँ से लेकर जाएंगे दूसरे प्रदेशों में, तो एक व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। तो यह प्रकार से किसान के लिए आत्महाती फैसला है। सांसद का पुतला क्यों आप? क्योंकि जब लोकसभा में ये कानून पास हो रहा था तो किसी सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, ये लोग, इन लोगों ने गरीब किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, इसका विरोध नहीं किया, इसलिए हम लोग इनका पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बाबा सुरेश चंद वर्मा और हमारे शिवाकांत पटेल जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं।